आप लोग कैसे हो? आपका भाई आप ही के चैनल पे आ गया। तो गाइज आज का जो हमारा टूर्नामेंट होने वाला है एक प्रो प्लेयर के साथ होने वाला है। गाइज मेरे साथ क्या हुआ था, यहाँ पर ये प्रो प्लेयर मुझे पहले मैच पे आउट कर गया और मैं इसकी बॉल पे थोड़ा डिफिकल्ट होके खेल रहा था। गाइज फिर मैंने सोचा यार हर कोई बंदा, आप लोग सोचते हो हमेशा एक एपिक बॉलर मिल जाए तो हम मैच जीत जाएंगे। गाइज ऐसा कुछ नहीं होता। गाइज आप चाहे जितने भी एपिक बॉलर ले लोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कॉमन बॉलर के साथ भी जीत सकते हो। गाइज जहाँ पे मैंने कॉमन बॉलर के साथ जीत के दिखा हुआ, रुको, ये बंदा भी कॉमन एक भास्कर यूज़ कर रहा है और मैं भी इसी की चाल में इसी को मारूंगा। यहाँ पे पहली बॉल मेरा परफेक्ट सिक्स जा चुका था, आउट ऑफ द स्टेडियम पहली बॉल गई। बट गाइज इस बंदे ने अपनी चाल को चेंज किया और मुझे परखा और सीधा विकेट ले गया। लेकिन गाइज हम भी चुप नहीं रहने वाले थे। गाइज अगर आप चुपचाप से गेम को लेफ्ट कर दोगे ना, तो आप लोग पता है सिंपल सी बात, अगर आपने चुपचाप से गेम को लेफ्ट कर दिया ना, तो जितने भी प्रो प्लेयर होते हैं वो स्मार्ट बन जाएंगे और उनको मौका मत दो वो आगे बढ़ने का। आप उन्हीं की चाल में उनको मारो। गाइस मज़ा तभी आता है गेम को जीतने के लिए। और जितने मेरे भाई जुड़े हुए हो जल्दी से चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक करना मत भूलना गाइस। अब दो बॉलें यहाँ पर बोर्ड पे चढ़ चुके, 10 रन हो चुके हैं और गाइस इस बॉल में मुझे इस बंदे ने फंसा लिया था और मुझे पता नहीं चला था। मैं सीधा गाइस शॉट लगाने की प्रॉपर कोशिश कर रहा था और गाइस यहाँ पे देखो गुड शॉट गई बट ये फाइनली कैच हो गई और इसी बॉल पे मेरे को थोड़ी सी अपनी चाल यहाँ पे रह गई थी। मेरे को ये शॉट थोड़ा आसान आराम से खेलना चाहिए था और मैं थोड़ा फंस गया इसकी चाल में। बट कोई नहीं गाइस, टाइम सबका आता है, एक टाइम पे हमारा भी आएगा और इसके साथ प्रो प्लेयर के साथ लड़ेंगे। तो जितने भी मेरे भाइयों जिन्होंने लाइक नहीं किया गाइस, 50 लाइक्स मांगते हो तो 50 लाइक्स कर दो गाइस और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर देके जाना मेरे प्यारे भाइयों। तो गाइस पहली बॉल मैं जहाँ पे डाल रहा हूँ भास्कर के साथ, ये बड़ा भास्कर का बन रहा है ना गाइस। कोई बात नहीं, भास्कर में ही हम इसकी अच्छे तरीके से लेंगे। ये देखो अब ये डिफेंस करेगा, मुझे पता है क्योंकि ये एक स्मार्ट गेम खेलेगा यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि वो नहीं चाहता जल्दी से मैं आउट हो जाऊँ। ऑब्वियसली हर कोई प्रो जितने भी प्लेयर्स होंगे वो यही चाहेंगे कि हम स्मार्टली खेलें, ज़्यादा उड़ा के शॉट ना खेलें। तो ये बंदा भी आराम से खेल रहा है। मैं किंग फिशर बॉल का यूज़ करने वाला हूँ, नहीं बट मैं अब डिफ़ॉल्ट के साथ ही गया हूँ, क्यों अपनी बॉल वेस्ट करूँ। ये समझदारी से खेल रहा है बट इन स्विंग देखता हूँ कि इन स्विंग पर विकेट जाएगी नहीं जाएगी। आई होप इन स्विंग पर विकेट चली जाए बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पर स्लो बॉल रख रहा हूँ इन स्विंग की। ओह शिट गाइस, अगर ये सर्कल थोड़ा सा इधर होता ना तो भाई विकेट चली जाती और यार ये मैच हम जीत जाते। अब तो यार हमारी, अब तो ये और स्मार्ट बन गया होगा, ये स्मार्टली गेम खेलेगा। तो अब यहाँ पे चाल नहीं पलटनी यार इसको, बड़े आसानी से हम यार गेम जीत जाते। बट सर्कल थोड़ा सा पीछे होता ना गाइस, आप ये बॉल भी ट्राई कर सकते हो जो मेरे से गलती हुई है। आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो, सर्कल पीछे रख के बॉल देना और भास्कर की इन स्विंग देना, क्या पता विकेट चली जाए गाइस और लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आप आउट कर दो। तो ये ज़रूर ट्राई करना, बॉल नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं लेकिन ट्राई ज़रूर करना गाइस, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ये बॉल मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर्कल आपने थोड़ा सा लेग से हटा के देना है, पहले इसको सीधी बॉल देना भास्कर को रख के। अभी तो मैं इसको नहीं रखने वाला, स्मार्ट बन गया। लेकिन आप लोग सुन लो, ये मैच तो हम हार गए लेकिन हम दोबारा इनविटेशन भेजेंगे इस बंदे को खेलने के लिए और देखेंगे ये लास्ट मैच कौन जीतेगा। और जो लास्ट मैच जीता गाइस अपना रिवेंज पूरा हो जाएगा और रिवेंज लेकर आया करो, क्विट मत करो गेम को। रिवेंज जब तक ना लो ना तो गाइस गेम छोड़ के नहीं आनी आपको, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आप कॉमन बैट्समैन के साथ जाओ, कॉमन बॉलर्स के साथ जाओ, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ जाओ गाइस होगा। अगर आपके पास एपिक बॉलर है तो ऑब्वियसली बात अब यूज़ करो, नहीं तो यहाँ पर देखो मैंने इसको इनविटेशन भेज रहा हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा इसको बोलूँगा खुशी के साइन, मतलब एक अच्छे से साइन भेज रहा हूँ ताकि ये दोबारा जुड़ जाए। अब हमारा बारी है गाइस, इसने अपनी अच्छे तरीके से खेल लिया, अब हमारा टाइम है और हम दिखाएंगे क्या चाल होती है, क्या गेम होती है। इसी की बॉल जैसे ये दे रहा है, इसी की बॉल पे ऐसे ही आउट करके दिखा हुआ, इसको समझने का मौका नहीं दूंगा मैं। तो यहाँ पर गाइस ये बंदा भास्कर के साथ चलाएगा चाल, क्योंकि इसको लग रहा है भास्कर को लेके मैं फंसा हुआ। कोई बात नहीं बेटा, तो भास्कर को लेके आ जा। तो यहाँ पर देखो ये जो बॉल दे रहा, थोड़ा सा ना मीडियम पेस डाल रहा है ताकि, लेकिन अभी मैं आराम से शॉट लूँगा। थोड़ा उस टाइम पर मेरे से गलती हो गई थी, थोड़ा मैंने पूरी ज़्यादा शॉट ले दी थी इसी कारण मैं आउट हो गया था। बट कोई नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे 2 रन हो चुके और गाइस जिन लोगों को डैनी को आउट करना है या केन को आउट करना है, वो ये ट्रिक बताऊँगा कॉमन भास्कर के साथ आप प्रो प्लेयर को आउट कैसे कर सकते हो। गाइस बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को ये ट्रिक जान के ना मज़ा आने वाला है, पूरे मैच में आपको अच्छा लगेगा।
उस शेट गाइज यहाँ पे कैच होते होते फिर से बची। ऐसे प्लेयर के साथ खेलने मुझे दिल से मज़ा आता है, क्योंकि जो सामने अपनी टक्कर का हो उसको हराने में और उसके साथ खेलने में मज़ा ही अलग आता है। तो यहाँ पे 2 बॉल 3 रन चढ़ चुके, लेकिन अब थोड़ा स्मार्ट मूव होके खेलेंगे। अब थोड़ा बॉल को आने देंगे फिर शॉट लेंगे, आने देंगे फिर से। इसने फंसाने की कोशिश करी थी बट यहाँ पे हम नहीं फंसेंगे। बैक फुट स्कूप शॉट खेलने की कोशिश करी बट यहाँ पे 3 रन ही मिलेंगे मुझे। तो यहाँ पर चढ़ चुके हैं बोर्ड पर 6 रन 3 बॉल 6 रन। भाई मेरे को तो बिल्कुल अच्छा टारगेट नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं। अब मेरे दिमाग में एक ट्रिक दौड़ रही है, वो ट्रिक को मैं जरूर यूज़ करने वाला, तो ध्यान से देखना वो गाइज जब हमारी बॉलिंग आएगी। लेट्स सी क्या होने वाला है। अब फाइनली एक 4 तो मिला मुझे, थोड़ा आगे बढ़ा और बॉल को आने दिया और फिर खेला। स्मार्ट बॉल दे रहा है, ये नहीं कह रहा भाई बढ़िया प्लेयर है भाई ये, सिंपल सी बात। ऐसे प्लेयर मुझे अच्छे लगते हैं, बंदा अपनी टक्कर का जब मिलता है ना मज़ेदार लगता है। तो इसलिए मैंने मेंशन किया था हाउ टू, इसको ही प्रो प्लेयर को ही ऐसे आउट करके दिखाऊंगा। गाइस कॉमन भास्कर रखें, यहाँ पे 4 बॉल 10 रन हो चुके हैं। अभी हमारी 2 बॉलें और बची हुई है, परफेक्ट शॉट लुआ, एक और चौका चला गया। यहाँ पे 14 रन चढ़ चुके हैं, कोई नहीं, 6 नहीं जा पा रहा तो 4 तो जा ही रहे। टारगेट तो थोड़ा इंक्रीज़ करें हम अपना, ताकि इसको हम अपनी चाल में फंसा सकें। यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा आऊँगा और अपने को रूम दूँगा, बॉल को आने दूँगा, बॉल को वेट करूँगा, फिर बॉल को आसानी से खेलूँगा, बॉल को आने दूँगा फिर खेलूँगा। ये बंदा ऐसे ही तो फंसा रहा है, ये दे देता स्लो बॉल और हम लोग बैट पहले चला रहे, इसी के कारण हमें कैच मिल रही है, इसी के कारण कैच हो रही है। इसलिए बॉल को आने दिया, फिर मैंने रूम बना के शॉट खेली है। और इसके पास अब डैनी है और इसकी जवाब, इसकी बात का जवाब हम अपनी बॉलिंग से देंगे और इसी के स्टाइल में देंगे। तो यहाँ पर मैं पहले चाल थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करने के लिए, पहले आउट नहीं करूँगा, थोड़ा इसको कंफ्यूज करूँगा, थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करना भी ज़रूरी है ताकि ये प्लेयर थोड़ा सा परेशान हो जाए। यहाँ पे मैं राजेश के साथ चाल चलाऊँगा, लेकिन जो बॉल रखूँगा वो स्लो बॉल रखूँगा, बिकॉज इसके विकेट में मैं चाहता हूँ। लेट्स सी यार विकेट में जाएगी नहीं जाएगी, विकेट में तो जाएगी बट इसने शॉट खेल दिया फाइनली पहली बॉल छक्के के साथ। राजेश को नहीं करना, अभी भास्कर का टाइम लाएंगे, भास्कर को लेके आएंगे और भास्कर की चाल में हम इसको फंसाएंगे। कोई नहीं दोस्त, रुक जा अभी, पहले मैं इसको स्ट्रेट बॉल दूंगा, इसको लग रहा होगा इन स्विंग दूंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसको स्ट्रेट बॉल ही दूंगा। इसको लग रहा है भैया इन स्विंग बॉल डालेगा, लेकिन ऐसी नहीं होगी, इसी के चाल में इसी को फंसाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा मीडियम पेस दे रहा हूँ मैं, फुल पेस नहीं दे रहा, ताकि इसको लगे इन स्विंग बॉल देने वाला। भैया इन स्विंग अब नहीं आने वाली आपके पास, अब तो आपके चाल में आपको फंसाएंगे। अब ये सोचेगा इन स्विंग आएगी क्योंकि स्ट्रेट आ गई, तो अब यहाँ पे इन स्विंग नहीं देनी, फिर से हम एक स्ट्रेट बॉल देंगे। और यहाँ पे गाइस आप देखो सर्कल को मार्क कर लो, यहाँ पर जहाँ पे मैंने रख दिया है, और बॉल को जो रखना, थोड़ा सा मैं इसको सर्कल को दोबारा लेके आऊँगा, रुको, इसको विकेट अब लेनी है। फुल पेस वाली बॉल नहीं लेनी, पेस के या तो पेस बॉल ले लो या थोड़ी सी पेस से ऊपर की ले लो। और गाइस ये देखो कैसे विकेट जाएगी, इसको 1 सेकेंड का टाइम नहीं दिया और इसी की बात में, इसी के चाल में इसको मारा और इसी के साथ हम ये मुकाबला जीत गए। गाइस इसके लिए तो एक भास्कर के लिए आज लाइक बनता है, 50 लाइक्स अबव होने चाहिए गाइस।